अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। लेट स्टार्ट अवर यूनिट नंबर 7, एनवायरनमेंट। लेट स्टार्ट रीडिंग। बेटा ओपन पेज नंबर 60। फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। बेटा पोल्यूशन की टाइप्स हमने इसमें डिस्कस करनी है। एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? एनवायरनमेंट बेटा हमारे माहौल को कहते हैं जिसमें हम ज़िंदगी गुजारते हैं। उसमें हमारी लैंड, एयर और इसके अलावा मतलब पूरा माहौल जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जिसमें हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मतलब तमाम हमारे एनवायरनमेंट कहलाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मिसयूज़ होने वाली चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ है, वो पोल्यूशन है। इस चैप्टर में हमने पोल्यूशन की टाइप्स डिस्कस करनी है, उसकी कॉजेज़ डिस्कस करनी है बेटा, और उनकी रेमेडीज़ कि किस तरीके से हम इस पोल्यूशन के प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पोल्यूशन अकर्स व्हेन अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट बिकम्स अनहेल्दी फॉर द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन इट। पोल्यूशन बेटा कब होती है? जब एनवायरनमेंट का कुछ हिस्सा रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए अनहेल्दी बन जाता है, ठीक है जी, जो उसमें रहते हैं, ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन की फाइव टाइप्स हैं दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट, जिसके बारे में बेटा मैं आपको बताने लगी हूँ। लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और विजुअल पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन बेटा ज़मीन की आलूदगी को कहते हैं, ज़मीनी आलूदगी। नॉइज पोल्यूशन बेटा शोर की आलूदगी को कहते हैं। एयर पोल्यूशन हवा में जो डिफरेंट गैसेज जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं उनकी वजह से होती है। वाटर पोल्यूशन पानी की आलूदगी को कहते हैं बेटा। और विजुअल पोल्यूशन उस आलूदगी को कहते हैं जो हमें नज़र आ रही होती है, जो हमारे माहौल को, इन्वायरमेंट को एक बैड लुक देती है, बुरी नज़र आने में बहुत बुरी लगती है, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पेज, यूनिट पेज नंबर 61, लैंड पोल्यूशन। बेटा देर आर सेवरल कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन इंक्लूडिंग। लैंड पोल्यूशन की बेटा बहुत सी वजूहात हैं जिनमें क्या क्या शामिल है। फर्स्ट वन देखिए, द यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स दैट सम फार्मर्स यूज़ टू ग्रो क्रॉप्स। क्रॉप्स उगाने के लिए कुछ फार्मर्स जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स क्या है, कीड़े मार दवाइयों को कहते हैं, कि जो फार्मर फसलों को उगाने के टाइम पे डालते हैं ताकि कीड़ों से वो महफूज रह सकें। व्हेन टू मैनी केमिकल्स आर यूज, जब इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल की जाती हैं, दे किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी मार देते हैं, सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई दैट आर असेंशियल फॉर हेल्दी सॉइल। जो हेल्दी सॉइल के लिए ज़रूरी बैक्टीरिया और फंजाई हैं उनको भी वो किल कर देते हैं, और उससे क्रॉप्स की जो मतलब उगने वाली जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुँचता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, डंपिंग ऑफ रबिश यानी कूड़ा करकट का थ्रो करना, इधर उधर फेंकना। अपार्ट फ्रॉम बींग विजुअली अन अट्रैक्टिव, यानी बुरा लगने के साथ, देखने में हमें बुरा लगता है, उसके अलावा डंपिंग वेस्ट कैन कंटामिनेट द लैंड, ये हमारी ज़मीन को आलूदा भी कर देता है बेटा, एंड कॉजेज द डेथ्स ऑफ एनिमल्स, और जानवरों की मौत का सबब भी बनता है। दैट में ईट पॉइजनस वेस्ट, जो उस वेस्ट में से, उस कूड़ा करकट में से, जैसे आपको पता है कि मुख्तलिफ एनिमल्स जो हैं वो उसमें कूड़ा करकट में से खाते हैं, तो जब वो उस खाते हैं तो उनके लिए डेथ का भी ये सबब बनता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, द क्लोजिंग डाउन ऑफ फैक्ट्रीज यूजिंग केमिकल्स एंड अदर डेंजरस एंड पॉइजनस सब्सटेंसेस। फैक्ट्रीज से निकलने वाले जो केमिकल्स हैं बेटा वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं और बहुत ख़तरनाक होते हैं हमारी डेली लाइफ में। द लैंड इज़ देन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू यूज़ फॉर एनी अदर पर्पज़, और फैक्ट्रीज़ के इस वेस्ट के डालने के बाद, वहाँ थ्रो करने के बाद, लैंड किसी भी तरह से इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहती है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं जी शोर की आलूदगी को। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ अनवांटेड नॉइज। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है बेटा? ये वो गैर ज़रूरी शोर है और आवाज़ें हैं और साउंड्स दैट डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट, और वो आवाज़ें ख़ासतौर पर जो हमारे माहौल को डिस्टर्ब कर रही हैं। इट कैन बी प्रोड्यूस बाई हैवी ट्रैफिक ऑन रोड्स। ये किस तरह से पैदा होती हैं बेटा? गैर ज़रूरी आवाज़ें, जैसे रोड्स पे चलने वाली हैवी ट्रैफिक की वजह से, एरोप्लेन्स, हवाई जहाज़ों, इंडस्ट्रियल मशीनरी सच एज़ कंस्ट्रक्शन एक्विपमेंट्स, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के जगहों पर जहाँ पे तामीर हो रही हो, जहाँ पे कुछ बिल्डिंग वगैरह बनाई जा रही हो, उस जगह पे जो मशीनरी की आवाज़ें हैं, ठीक है जी। एंड इन मैनी अदर वेज, और बहुत तरीके से हम शोर की आवाज़ों को महसूस कर सकते हैं। फॉर होम्स, घरों में
नॉइज़ पोल्यूशन कैन कॉज हियरिंग लॉस. नॉइज़ पोल्यूशन से बेटा क्या होता है, नुकसान क्या पहुँचता है? हियरिंग लॉस कहते हैं हमारी सुनने की जो हिस है, हमारी जो समात है, उससे हम महरूम हो सकते हैं. ठीक है जी, उसको नुकसान पहुँचता है. स्ट्रेस, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं. ठीक है जी, लेक ऑफ स्लीप्स, नींद में कमी एंड हाई ब्लड प्रेशर और हाई बीपी भी इसकी एक वजह है जी. फॉर वाइल्ड लाइफ, जंगली हयात के लिए नॉइज़ पोल्यूशन कैन इंटरफेयर. नॉइज़ पोल्यूशन जो है इंटरफेयर विद नेविगेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, वो जानवरों के नेविगेशन सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाता है. दैट डिपेंड ऑन द साउंड टू ट्रेवल सच एज बैट्स, जैसे कि बैट्स हैं उनकी जो साउंड सिस्टम है. आपको मैं बताना चाहूँगी कि बैट्स की एक नेविगेशन सिस्टम क्या है बेटा, कि वो मुंह से एक आवाज़ निकालते हैं. ठीक है जी, एक साउंड सिस्टम है उनका, जिस जब वो साउंड किसी जगह से टकराती है, यानी सामने को रुकावट हो, तो वो वापस वहाँ से आती है और उन्हें सुनाई देती है. ठीक है जी, तो फिर वो अपनी जगह चेंज करते हैं. यानी एक्चुअली रात के टाइम वो देख नहीं सकती हैं बैट्स, तो उनका ये जो नेविगेशन सिस्टम है उसकी वजह से वो फ्लाई करती हैं. ठीक है जी, लेकिन उसको भी नुकसान पहुँचता है इससे, नॉइज़ पोल्यूशन से. इन एक्सट्रीम केसेस इट कैन कॉज एनिमल्स डेथ, और इस तरह से एक्सट्रीम केसेस में जानवरों की मौत भी वाकई हो सकती है जी. बेटा नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 62 पे एयर पोल्यूशन है जी. बेटा एयर पोल्यूशन में देखिए, एयर पोल्यूशन इज़ वैन द एयर वी ब्रेथ इन, ये हम हवा में जिसमें हम सांस ले रहे हैं, कंटेन हार्मफुल मटीरियल सच एज गैसेस, पॉइजन्स एंड डस्ट एंड स्मोक, जब इसमें गर्द गुबार, जहरीली गैसें, मिट्टी और धुआं शामिल हो जाता है बेटा, तो हमारी जो हवा है वो उसमें वो पोल्यूट हो जाती है, आलूदा हो जाती है. एयर पोल्यूशन कैन अकर्ड आउटडोर्स एंड इंडोर्स. एयर पोल्यूशन जो है बेटा वो घरों के अंदर और बाहर दोनों तरफ हो सकती है. इसकी टाइप देखिए जी, आउटडोर एयर पोल्यूशन क्या कैसी है बेटा. देर आर टू मेन कॉजेज ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन. आउटडोर एयर पोल्यूशन की बेटा दो मेन वजूहात हैं, इंडस्ट्री एंड मोटर व्हीकल्स. बेटा इंडस्ट्रियल और मोटर व्हीकल, इंडस्ट्री यानी जो आप ये देख रहे हैं आपके सामने, ये इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो धुआं है ये बहुत ज़्यादा हमारे माहौल को आलूदा करता है. ठीक है जी, उसके अलावा गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो मोटर व्हीकल के, वो भी हमारी हवा को बहुत ज़्यादा पोल्यूट करता है. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय फैक्ट्रीज, कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स एंड अदर इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोसेसेस. ठीक है जी, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है बेटा वो ज़्यादातर फैक्ट्रीज से और कोयले से जो जलने से इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स चल रहे हैं उनसे, और इसके अलावा डिफरेंट इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोसेसेस से प्रोड्यूस होने वाले धुएं से बेटा एयर पोल्यूशन कॉज होती है. सेकेंडली देखिए जी, मोटर व्हीकल पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय द इनएफिशिएंट बर्निंग ऑफ फ्यूल. ये इनएफिशिएंट बर्निंग ऑफ फ्यूल किसे कहते हैं जी, ये गाड़ियों से निकलने वाला वो धुआं, के जो गाड़ियों की हालत अगर तसल्ली बख्श नहीं होगी, उनके इंजनों की हालत तसल्ली बख्श नहीं होती, तो उससे क्या होता है बेटा कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज होती है. ठीक है जी, और उस धुएँ को हम मोटर व्हीकल पोल्यूशन बोलते हैं. नेक्स्ट देखिए जी, इंडोर एयर पोल्यूशन ये कैसे कॉज होती है जी. देयर आर सेवरल कॉजेज ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन. इसकी काफ़ी वजूहत हैं बेटा, इंक्लूडिंग स्मोकिंग टोबैको. स्मोकिंग टोबैको किसे कहते हैं बेटा, तंबाकू वगैरह जो यूज़ किया जाता है, टोबैको यूज़ किया जाता है सिगरेट्स में, और इसके अलावा सिगार में और डिफरेंट पाइप्स वगैरह में. उसके अलावा देखिए जी, केमिकल्स फ्रॉम पेंट एंड अदर हाउस होल्ड, जो पेंट वगैरह घर में करवाते हैं हम, या डिफरेंट हाउस होल्ड जो बिल्डिंग मटीरियल हैं उनमें से जो केमिकल्स हैं उससे एयर पोल्यूशन कॉज होती है. एंड गैस वेपर्स फ्रॉम हीटिंग एंड कुकिंग अप्लायंसेस, जो हम खाना पकाते हैं और उसके अलावा डिफरेंट कुकिंग अप्लायंसेस को हम यूज़ करते हैं, उसमें से जो गैस वेपर्स निकलते हैं उससे भी एयर पोल्यूशन कॉज होती है. नेक्स्ट ले देखिए, ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन कैन रिजल्ट इन कैंसर एंड अदर डेडली डिजीजेस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड अ वैरायटी ऑफ अदर हेल्थ इश्यूज़. बेटा ये देखिए कि इन तमाम किस्म की पोल्यूशन से क्या क्या होता है जी, कैंसर कॉज हो सकता है, बहुत ख़तरनाक बीमारियाँ, सांस की तकालीफ. ठीक है जी, और इसके अलावा बहुत से हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो इससे कॉज होते हैं. नेक्स्ट पेज की रीडिंग बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको अपने अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है. थैंक यू सो मच.